Let us start with the first fundamental class, that is electrostatics. पहले सोचते हैं कि इसका नाम electrostatics क्यों है? Why it is electrostatics? एक तो हुआ it is dealing with the effect of static charge in its surrounding. कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो अपनी सराउंडिंग में क्या क्या घुल खिलाता है उसके बारे में डिस्कशन है, ठीक है। दूसरा हुआ इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों बोलते हैं, व्हाई नॉट प्रोटोस्टैटिक्स, प्रोटोन इज आल्सो ए चार्ज, तो प्रोटोस्टैटिक्स क्यों नहीं बोलते, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों बोलते हैं? इट इज बिकॉज ये जो प्रोटोन है ना, हम तो जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है, बट इट इज नॉट ए फ्रीली अवेलेबल क्वांटिटी। कहाँ है प्रोटोन? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर है? कहाँ है? अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। अब न्यूक्लियस के अंदर है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस, और वो बाहर अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज ये है कि यू कैन नॉट ब्रेक ए न्यूक्लियस। हम लोग अभी जाके वो मार्स पे घर बसा चुके हैं, बट अभी तक हमें तरीका मालूम नहीं है हाउ टू ब्रेक ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को तोड़ना हमें नहीं आता है, यू कैन नॉट ब्रेक इट, सच ए डेंस पार्टिकल, इतना ज्यादा डेंसिटी का है कि इसको तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कुछ फेनोमेनन से जहां पर वो खुद टूटता है, वो भी अगर काफी बड़ा है, तो काफी बड़ा न्यूक्लियस है, वो खुद टूटता है, और देयर आर सम फिशन रिएक्शंस आल्सो, एंड ऑटोमेटिकली टूटता है, तो उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, वो सब है, बट ऑर्डिनरली कोई एक न्यूक्लियस को तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे और भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हर एक मटेरियल का डेंसिटी अलग अलग है, जैसे एल्युमिनियम का डेंसिटी अलग है, आयरन का डेंसिटी अलग है, गोल्ड का डेंसिटी अलग है, लेकिन ये तीनों का न्यूक्लियस का डेंसिटी बराबर है। आयरन न्यूक्लियस का डेंसिटी, गोल्ड न्यूक्लियस का डेंसिटी, एंड योर एल्युमिनियम न्यूक्लियस का डेंसिटी, सारे न्यूक्लियस का डेंसिटी बराबर है। मतलब न्यूक्लियस ऑफ इच ऑफ दीज एटम्स आर इक्वली पैक्ड, जबकि मटेरियल का डेंसिटी अलग अलग है। समझ में आया? तो प्रोटॉन तो मिलने से रहा, क्या अवेलेबल है? इलेक्ट्रॉन। कहाँ है वो? न्यूक्लियस के चारों तरफ मक्खी की तरह मंडरा रहा है, आप जब चाहे पकड़ के ला सकते हो, ये देखो इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, है कि नहीं? उतना आसान भी है नहीं, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन को वहां से डाइवर्ट करके बाहर ला सकते हो। इलेक्ट्रॉन आर फ्रीली अवेलेबल चार्जेस इन द लेबोरेटरी। सो अब अगर कोई बॉडी को चार्ज करना है तो आप उसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, अकॉर्डिंगली कोई बॉडी को आप नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज करते हो, तो जो भी कुछ होता है सारा इलेक्ट्रॉन का खेल है। तो चैप्टर का नाम पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद, इस चैप्टर में सारा का सारा खेल रिलेटेड टू चार्ज होगा। तो पहले आज की क्लास में हम लोग चार्ज के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे छोटा चार्ज कितना है? सबसे छोटा चार्ज कितना है? द स्मॉलेस्ट अवेलेबल चार्ज, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू 1.609, हम 1.6 लिखेंगे, इनटू 10^-19 कूलम्ब, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर इलेक्ट्रॉन का आधा काट के ले आएंगे तो आधा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मिल जाएगा? नो, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि इसको तोड़ के दो टुकड़ा करना नामुमकिन है। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, तो सबसे छोटा चार्ज क्या हो गया? 1.6 × 10^-19 कूलम, ये एक सी फॉर कूलम है, COU, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया? कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा सा चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो नेगेटिव होता है, वी शुड नॉट मिस ए माइनस साइन हियर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज -1.6 × 10^-19 कूलम। आगे चल के बस समझने के लिए हम लोग कुछ ऐसा एक ई का डिनोशन यूज करेंगे, ई इज नथिंग बट 1.6 × 10^-19 कूलम, ऐसे याद रखो। ई क्या है?
जस्ट टेक ए स्पेसिफिक चार्ज, मतलब एक छोटा सा चार्ज ई, स्मॉल चार्ज ई, पूरा चीज को हम लोग ई से डिनोट करेंगे आगे चल के। तो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, माइनस ई। समझ में आया? ठीक है। पॉइंट नंबर टू, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उससे छोटा हो नहीं सकता। नाउ यू नो एवरी एटम इज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस द टोटल चार्ज इन एन एटम इज जीरो, एवरी एटम इज न्यूट्रल। And interestingly, the entire universe is made up of atom. So the entire universe is neutral. In this entire universe, whatever is the amount of negative charge, same is the amount of positive charge. The total charge of the universe is zero. समझ में आया? चार्ज के बारे में और क्या देखिए? As every atom has equal number of इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एज एवरी एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, देयरफॉर एवरी एटम इज न्यूट्रल, एवरी एटम इज न्यूट्रल। एवरी एटम इज न्यूट्रल, हेंस द यूनिवर्स इज न्यूट्रल। पूरा का पूरा यूनिवर्स न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर हमें कोई एक चार्ज चाहिए, सपोज वी वांट ए पॉजिटिव चार्ज, हम तो जानते हैं कि हर एक एटम में जितना कोई मटेरियल, मान लो ये पेन है, ये पेन इज मेड अप ऑफ एटम, हर एक एटम में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज इसमें जीरो हो गया, टोटल चार्ज इसमें जीरो हो गया। अब मैं उसको अगर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज करूंगा, आई वॉन्ट टू गेट ए नेगेटिव चार्ज ऑन दिस, तो फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन उतना है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पेन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस पेन, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एज लॉन्ग एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम ऑन दिस पेन, द टोटल चार्ज ऑन दिस पेन इज जीरो। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, तो बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गया, तो बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। टू मेक द बॉडी नेगेटिवली चार्ज, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाना है, बढ़ाना है मतलब एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ प्रोटॉन बाहर निकाल दो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया कि नहीं। लेकिन आप प्रोटॉन निकाल सकते हो क्या? यू कैनॉट रिमूव प्रोटॉन्स बिकॉज दे आर नॉट फ्रीली अवेलेबल क्वांटिटीज। तो फिर कोई बॉडी को नेगेटिव चार्ज करोगे कैसे, अगर प्रोटॉन नहीं निकाल सकते हो फिर भी मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, तो यू हैव टू सप्लाई सम इलेक्ट्रॉन्स टू दिस। So when you give some electrons to a body, that body becomes negatively charged. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हम similarly सोचो, तो कोई body को अगर positively charge करना है, so you know now the number of protons is equal to number of electrons. अगर extra proton दे देंगे तो number of protons will be more, तो ये positively charge हो जाएगा, but protons are not freely available quantities. You want to make it still a positive charge. What you will do? You will remove some electrons. अगर electron निकाल दिए तो automatically protons are number of protons are more than the number of electrons. Body positively charge हो जाएगा। ये काफी आसान है। कोई body को positive charge करने के लिए वहां से हम electron निकाल लेते हैं, कोई body को negative charge करने के लिए उसको electron दे देते हैं। ये याद रखना है, ठीक है? तो point number 3 में देखेंगे, a body can be negatively charged by supplying extra electrons
extra electrons to it. Similarly, क्या बता सकते हो क्या लिखेंगे? A body can be positively charged. How? क्या करने से body positively charged होगा? By supplying extra protons or by removing some electrons. क्या कहेंगे? By removing some electrons. By electrons remove करके कर सकते हैं. By removing electrons from it. Suppose कोई एक body है, आपने इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन गया नेगेटिवली चार्ज. और ये कोई एक बॉडी है, आपने यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के ले लिया, तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज. समझ में आ रहा है? यस. सपोज कुछ लेन देन करने के बाद पता चला कोई एक बॉडी में है, कोई एक बॉडी रखे थे जिसमें मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन्स है और 1002 प्रोटोन है. कोई एक बॉडी में ये हाल है, मतलब क्या था? जितना प्रोटोन उतना इलेक्ट्रॉन थे, हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल चुके. क्या बता सकते हो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी? तो 1000 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1000 प्रोटोनिक चार्ज के साथ कैंसिल हो गया. बच गया कौन? दो प्रोटोन. दो प्रोटोन मतलब प्रोटोन का चार्ज तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, बस वो -1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, जबकि +1.6 × 10⁻¹⁹ है. दो प्रोटोन एक्स्ट्रा है, दो प्रोटोन का जो चार्ज है दैट इज द चार्ज ऑन दिस बॉडी. व्हाट इज दैट चार्ज? 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹. बात समझ में आया क्या? सपोज हम कहेंगे कोई बॉडी है हमारे पास और पता चला उसमें गिनती किया गया तो पता चला कि वहां पर 1004 इलेक्ट्रॉन है, 1002 प्रोटॉन है. ऑब्वियसली शुरू शुरू में दोनों बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब पक्का कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया गया है. कितना तो इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया है? दो. और दो इलेक्ट्रॉन दिया गया है, देन व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस? दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज है. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है भाई? -1.6 × 10⁻¹⁹. दो इलेक्ट्रॉन का 2 × -1.6 × 10⁻¹⁹ इज द चार्ज ऑन दैट बॉडी. मेरी बात समझ में आ रहा है ना? मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ. लास्ट बेंच की टू कॉर्नर बॉयज, आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हो. क्या नाम है आप दोनों का? बोला व्हाट इज योर नेम? थर्ड बेंच बिहाइंड द गर्ल्स, बिहाइंड द गर्ल्स थर्ड बेंच जो बैठे हैं. हाँ, क्या नाम है आप दोनों का? बोलो, नाम नहीं आता है. हाँ बोल, जोर से बोल. शुभम महंती. ये पीयूष मिश्रा. पीयूष मिश्रा है तेरी के. मैं भी मिश्रा, तू भी मिश्रा है, उसके बावजूद पढ़ नहीं रहा है. क्या हो गया? मेरा वॉइस अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा सूरज सुंदर नहीं दिख रहा है? ऑर्डर लगा के आऊं? तो बात ये था इसमें कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज. लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझ में आया कि जब हम कोई बॉडी को कुछ चार्ज देंगे, कैसे देंगे? बाय गिविंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स. एंड फर्दर वी नो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड. क्या आप किसी बॉडी को 2.5 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हो? नहीं. आप दोगे तो 2 दोगे या फिर 3 दोगे? 2.5 कैसे दे सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो तोड़ नहीं सकते. क्या किसी बॉडी से 7.3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? नो, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड. या तो 7 निकालो या फिर 8 निकालो. 7.3 है ना, डिवाइड सब डिवाइडेबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है, चीजों को काट नहीं सकते. मान लो कि आपके टीचर क्लास में अटेंडेंस ले रहे हैं, प्रिंसिपल पूछे बता आज तुम्हारे क्लास में 40 बच्चे थे, कितने बच्चे आए हैं? सपोज यू रिप्लाई आज क्लास में 23.5 स्टूडेंट्स आए हैं. ऐसा हो सकता है क्या?
स्टूडेंट्स आर नॉट डिविजिबल, तो इलेक्ट्रॉन्स भी डिविजिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है जब भी हम कोई बॉडी को चार्ज करेंगे उसमें जो चार्ज बनेगा दैट विल बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सीएचएसई वालों का सीबीएसई वालों का रेगुलरली आता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज की क्लास में मैं जितना बकबकाऊंगा वो सारे न्यूमेरिकल में तो लगेंगे लेकिन थ्योरी के रूप में यही स्टेटमेंट आएगा, व्हाट यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये करके आएगा। तो क्या देखें हम, जब हम कोई बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो जो भी एडिशन और रिमूवल होगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस एनी चार्ज यू आर गोइंग टू फॉर्म बाय गिविंग और रिमूविंग मस्ट बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। समझ में आया, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे लिखेंगे, कहेंगे एनी एग्जिस्टिंग चार्ज एच इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, एज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड देयरफॉर एनी एग्जिस्टिंग चार्ज can be written as q is equal to plus minus n e plus n e। कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएगा, माइनस n e कब होगा फिर इलेक्ट्रॉन्स देंगे, समझ में, प्लस माइनस n e फिर E क्या है 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, और ये N क्या है, ये होल नंबर, दैट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। समझ में आया, एनी एग्जिस्टिंग चार्ज कैन बी रिटन एज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आप जानते हो कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है, चार्ज इज माइनस 1.6 इंटू 10^-19 कूलम्स, और मास आपको मालूम होगा 9.1 इंटू 10^-31 केजी। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है कुछ चार्ज है, दोनों है। मिश्रा जी पीयूष मिश्रा कभी कभी इधर देखो, कुछ मास है कुछ चार्ज है, क्या हम ये चार्ज को ये मास से अलग कर सकते हैं? नो, जैसे हम कहेंगे ये पेन है इसका कलर है ब्लैक, कैन यू सेपरेट द कलर फ्रॉम दिस पेन, नो, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, वो उसके साथ एसोसिएटेड है, यू कैन नॉट स्प्लिट देम आउट, ये दोनों को एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन है। मतलब एवरी चार्ज है सम मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट थिंक ऑफ ए मास, ये कोई एक बॉडी है जिसमें कुछ एटम्स है और हर एक एटम न्यूट्रल स्टेट में है, तो टोटल चार्ज इसमें जीरो है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बात समझ में आया, तो लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट नेट चार्ज, नेट चार्ज जीरो है फिर भी मास एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट मास।
ये हुआ एक इंपॉर्टेंट सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, यहां पर हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं कि व्हाट यू मीन बाय ए मेटालिक कंडक्टर, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर में ना कंडक्टर और इंसुलेटर का खेल बहुत ज्यादा आएगा। इंसुलेटर नहीं आएगा, डाइइलेक्ट्रिक आएगा, बट सम टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स, ऑल इंसुलेटर्स आर नॉट डाइइलेक्ट्रिक्स, वी शैल सी दैट लेटर इन कैपेसिटर चैप्टर। तो फिलहाल तो आप इंसुलेटर और कंडक्टर करके आएगा। अभी पहला चैप्टर जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें डाइइलेक्ट्रिक्स कम आएंगे, कंडक्टर्स ज्यादा आएंगे। तो व्हाट इज ए कंडक्टर, व्हेन यू कॉल ए मटेरियल इज ए कंडक्टर, ए मटेरियल इज सेड टू बी ए कंडक्टर इफ इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या है, जितने प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब देखो सपोज हम कहेंगे ये कोई एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन दो घूम रहे हैं, यहाँ पर आठ घूम रहे हैं, ऐसे करके 8 इलेक्ट्रॉन से, और मान लो कि ये है कितना हुआ 2+8+1 11 सोडियम, सपोज ये सोडियम है, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और आप जानते हो कि जो एटम है उसका टेंडेंसी रहता है आउटरमोस्ट सेल में ऑक्टेट्रॉन सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। दूसरा है कि ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहां से काफी दूरी पे है, हायर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन से वो न्यूक्लियस से काफी दूर में, और दूर में रहने से क्या है कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, आप जानते हो प्रोटोन है इसके अंदर, ये नेगेटिव चार्ज है, और क्लास 10 में थोड़ा बहुत पढ़े कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम है, ए वेरी स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। उसके बावजूद विद दैट स्मॉल फोर्स द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस ऑर्बिट। ये फोर्स इतना कम है कि अगल बगल से कोई थोड़ा सा भी धक्का मुक्का देगा तो ये ऑर्बिट छोड़ के भाग जाएगा। जैसे काफी बच्चे घर में तो रहते हैं लेकिन घर के साथ बंधे हुए नहीं रहते हैं, कोई बाहर से आया खिड़की से थोड़ा इशारा कर दिया, चॉकलेट खिलाएंगे, हाफ प्लेट चौमिन खिलाएंगे, पता चला घर से निकल के भागे, मतलब घर में तो है लेकिन बंधे हुए नहीं है, दे आर कॉल्ड फ्री चिल्ड्रन, समझ में। तो ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके साथ तो है, इनको कोई भी बहला फुसला के ले सकता है, कोई भी दूसरा चार्ज रख दोगे तो वो भाग जाएंगे उनके साथ, इनके साथ उनका कोई अटैचमेंट नहीं है। तो ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं उसको कहते हैं कंडक्टर्स। तो जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, करंट पास करवाने की कोशिश करते हैं, ये सब नहीं भागते हैं, ये सब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो सब भागना शुरू करते हैं एंड दे कॉन्स्टिट्यूट ए करंट। सो व्हेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड सच ए मटेरियल हैविंग दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ए कंडक्टर। समझ में आया? तो ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, कंडक्टर किसको कहते हैं, एनी मटेरियल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, सारे चीज लिख रहे हैं, अब उसको रट्टा मारने के लिए मत बनाओ। मेरा पढ़ाने का मकसद ये है कि जब आप रिवीजन करोगे, यू नीड नॉट गो फॉर थ्योरी ऑफ योर बुक, सारा का सारा थ्योरी मैं जितना दूंगा उतना ही अप्रोप्रिएट है, एडिक्वेट है और नेसेसरी एंड सफिशिएंट है, आपको बुक से एक्स्ट्रा थ्योरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, न्यूमेरिकल किसी भी बुक से क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो कुछ भी हो, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, नहीं तो बस ये लिखने की क्या जरूरत है, बहुत सारी चीज बोल दिया थोड़ा सा लिखवा दी, हम सारा चीज लिखवा रहे हैं ताकि दिस विल हेल्प यू एज ए नोट। एनी मटेरियल हैविंग थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट इज कॉल्ड ए कंडक्टर, और ऑन द अदर एंड व्हाट इज ए कंडक्टर, ए मटेरियल हुज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटली बाउंड वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ए कंडक्टर। ठीक है, नाउ रिगार्डिंग कंडक्टर यू विल सी सम मोर इंपोर्टेंट पॉइंट्स। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक कंडक्टर है, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना भैया।
ये एक कंडक्टर है भरा हुआ है। ये जो कंडक्टर है इसको मैं पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूँ। लास्ट बेंच मिडिल बॉय, लास्ट बेंच का मिडिल बॉय, कैन यू टेल मी इसको पॉजिटिव चार्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टैंड अप लास्ट बेंच मिडिल बॉय, प्लीज स्टैंड अप। व्हाट यू डाउट? आर यू नॉट इन द लास्ट बेंच? आर यू नॉट एट द मिडिल और आर यू नॉट अ बॉय? वेर यू डाउट योर सेल्फ? किस चीज में आपको डाउट है? जब मैं बोला लास्ट बेंच का मिडिल बॉय, किस चीज में आपको डाउट था? आप लास्ट बेंच में नहीं हो या मिडिल में नहीं हो या बॉय नहीं हो, क्या है? बोलो हाउ यू मेक ए बॉडी पॉजिटिव रिचार्ज। ये बॉडी को मैं पॉजिटिव रिचार्ज करना चाहूंगा, मैं क्या करूंगा? हाउ यू मेक ए बॉडी पॉजिटिव रिचार्ज, कोई बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कैसे किया जाता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, बैठो। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। सोचो कि ये कंडक्टर है, ये देखो कितना खुश हो रहा है, भाव खड़ा अगर बगल को, देखो मैं बोल दिया इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, आप लोग नहीं जानते हो, हद होता है। ये कोई एक कंडक्टर है, इसमें से चलो मैं 100 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन इट? 100e प्लस 100e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल दी तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। e कितना है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यू नो। कहां से निकाले हम 100 इलेक्ट्रॉन? चलो मानते हैं कि इसके अंदर से पूरा सेंटर से निकाल दिए 100 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास क्या चार्ज है? प्लस 100e, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल के ले लिए हम, गॉट इट? एंड दिस इज ए कंडक्टर, इट्स ए मेटल। मेटल मतलब इसके जो एटम्स है उन एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के साथ बहुत जोर से बंधे हुए नहीं है, दे आर लाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। और आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आप बनाए हो कैसे? बाय रिमूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स। अब होगा क्या? थोड़ा बहुत जानकारी तो होगा, लाइक चार्जेस रिपेल एंड नॉन लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और जैसे इस एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि ये इसके साथ बंधा हुआ नहीं था। दिस इज ए मेटल, दिस इज ए कंडक्टर। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के इधर आ जाएगा, एटम बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दिस एटम बिकम्स ए पॉजिटिव चार्ज। नाउ दैट एटम इज ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज। हियर इज ए 100 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज दैट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड रिपेल द पॉजिटिव चार्ज। तो ये होल होगा क्या? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट कमिंग लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे करके इसको पकड़ के हम ले आएंगे, ऐसे करके इधर आ जाएगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन आ गया इधर तो क्या हुआ? 100 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए थे तो यहाँ पर चार्ज था प्लस 100e, एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया किसी एक एटम से निकल के। नाउ द चार्ज हियर इज नो मोर 100e, इट हैज बिकम 99e। और एट द सेम टाइम एक इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी एक एटम से, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसमें चार्ज क्या हो गया? प्लस ही, क्योंकि एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर, पहले दोनों बराबर थे तो चार्ज हो गया प्लस ही। सो दैट पॉजिटिव चार्ज विल बी पुश्ड बाय दिस 99e और यहां पर क्या मिलेगा? चार्ज प्लस ई। क्या बात समझ में आया? तो हर एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाएंगे टुवर्ड्स सेंटर और देयर बाय द पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड विल बी पुश्ड टुवर्ड्स द सरफेस। जब तक अलग अलग जगह से 99e चार्ज आके इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे तब तक सरफेस में भी उतना ही चार्ज आ गया होगा। मतलब जब तक अंदर का चार्ज जीरो होगा उतना ही चार्ज आपको सरफेस में मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि कोई कंडक्टर को, मेटल को आप कुछ भी चार्ज दे दो, कहां जाता है वो? दैट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन दी आउटर सरफेस, अंदर कुछ नहीं रहेगा। कब? जब ये कंडक्टर है। अगर इंसुलेटर है तो जहां चार्ज छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगा, चल नहीं पाएगा। लेकिन कंडक्टर के केस में व्हाटएवर चार्ज यू गिव, वेयरएवर यू गिव,
the charge will immediately get distributed on the surface of the conductor. क्या मेरी बात सबको समझ में आया? ठीक है ना? तो उस चीज को हम लोग अभी लिखेंगे. आप लोगों की आवाज नहीं आ रहा है, मैं कभी कभी डाउट करता हूं. एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर gets distributed uniformly on the outer surface. बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, it gets distributed on the outer surface only. खाली outer surface में distribute हो जाएगा, ध्यान है inner surface में नहीं हो. सपोज हम कहेंगे ये कोई एक सॉलिड स्फीयर है, मेटल का है, और ये कोई एक हॉलो स्फीयर है. सपोज ऐसे दिस इज अनदर हॉलो स्फीयर, और ये हॉलो स्फीयर कुछ ऐसा है, थिक हॉलो स्फीयर, मतलब ये हिस्सा में कुछ आपका क्या कहते हैं इसको, ये हिस्सा में मेटल है और इसका तो पूरा का पूरा है. तो यू विल सी इफ यू गिव चार्ज टू दिस, इसके केसेस में चार्जेस तो सरफेस में आएंगे, और अगर ये जो आपका थिक हॉलो स्फीयर है उसको चार्ज दोगे तो कुछ चार्ज अंदर वाली सरफेस, कुछ चार्ज बाहर वाली सरफेस में नहीं होगा. कहाँ होगा? ओनली ऑन द आउटर सरफेस. इसको चार्ज देंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ यहां पे ही चार्ज है, अंदर वाली सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो हियर इज नो चार्ज ऑन दिस सरफेस, ये सरफेस में नो चार्ज. जो भी चार्ज दोगे सिर्फ आउटर सरफेस में होगा, अंदर वाली सरफेस में कोई चार्ज नहीं होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल स्फीयर्स. समझ में आया? ये एक हॉलो स्फीयर, ये मेटल स्फीयर. जो भी चार्ज देगा कहाँ रहेगा? ओनली ऑन द आउटर सरफेस. डोंट से सरफेस, ऑन द आउटर सरफेस. आगे चल के कितने सारे इंपॉर्टेंट डिराइवेशन होंगे. कीपिंग दिस थिंग इन माइंड दैट चार्ज गोज टू द सरफेस ओनली. और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो 25 बार आ चुका होगा सारा एंट्रेंस में और स्कूल एग्जाम में. क्या? व्हेनेवर ए चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, व्हाट हैपेंस? नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, इट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एंटायर वॉल्यूम, इट गेट्स स्प्रेड ऑन द सरफेस. तो आपको इट गेट्स स्प्रेड ऑन द सरफेस ओनली. तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो 25 बार आया होगा. तो जब भी हम कोई कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं कहां जाता है वो चार्ज? जाता है आउटर सरफेस में. ठीक है, आउटर सरफेस में तो जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. अभी क्या हुआ कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर था और इसको हमने कुछ चार्ज दिया. सोचो कि मैं यहां से 100E प्लस 100E चार्ज दिया, मतलब आई रिमूव्ड 100 इलेक्ट्रॉन्स. अब ई की बगल में जो चार्ज रखा था, ये वाला चार्ज, उसका इलेक्ट्रॉन खींचे हुए इधर आ गया, और ये जो 40 चार्ज था वो रिपल होके इधर चला गया. ये इलेक्ट्रॉन जैसे आके यहां पर पहुंचा, मैं यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके बाद यहां पर चार्ज हो गया 99E. ये तो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया. अब ये जो 40 चार्ज है वो आके यहां पर पहुंचा ई बन के, प्लस ई बन के. लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होता है. ये जो 40 चार्ज अभी अंदर है, कौन? 99E. हुआ क्या? हुआ यूं कि हम पहले तो 100E दिए थे, लेकिन अभी है 99E और यहां पर है प्लस ई. ऐसे ही सारे चार्ज निकलेंगे बाहर और दे विल गो टू द सरफेस. लेकिन यहां पर होने के बावजूद ये जो चार्ज है इसके ऊपर एक फोर्स आने लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि नाउ दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो ए पॉजिटिव चार्ज, देयर विल बी रिपल्शन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. दिस फोर्स विल हैव टू कंपोनेंट्स, सॉरी, दिस फोर्स विल हैव
two components. One component like this, normal to the surface. One component parallel to the surface. जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक चीज रखा गया है, सपोज मैं इसको ऐसे खींचता हूँ तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये इधर जाने की कोशिश करता है, नहीं? सिमिलरली बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स राइट. सिमिलरली यहां पर जो चार्ज आएगा वो किधर जाने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर फोर्स तो ऐसे आ रहा है, ये किधर जाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट. आपको क्या लग रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, ये इधर को आएगा. अच्छा, यहां पर जो चार्ज आएगा ये किधर जाने की कोशिश करेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं, और यहां वाला चार्ज डाउनवर्ड. तो होगा क्या, आप देखोगे ये सारे चार्ज इधर जाने की कोशिश करें, ये सारे चार्ज इधर आने की कोशिश करें, ये सारे चार्ज इधर आने की कोशिश करें, ये सारे चार्ज इधर जाने की, ये सारे इधर आने की, ये सारे इधर आने की. अरे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है भाई, आप देख रहे हो कि सारे के सारे चार्ज कॉर्नर की तरफ भाग रहे हैं, जबकि यहां पर इस जोन में देयर इज नेग्लिजिबली स्मॉल चार्ज, सारे चार्ज कॉर्नर की तरफ भाग रहे हैं. तो हम देख रहे हैं चार्ज कंसंट्रेशन और चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम अदरवाइज कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी. मतलब चार्ज सरफेस पे तो है, कितना क्लोजली पैक्ड है. चार्ज पर यूनिट एरिया इज मोर नियर द शार्प कॉर्नर्स एंड लेस एट द फ्लैट एंड्स. जहां पर फ्लैट एज है, फ्लैट सरफेस है, वहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया कम मिलेगा. जहां पर शार्प एज है वहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया ज्यादा मिलेगा. समझ में आया क्या? तो ये लिखना है हमें, इस चीज को लिखना भी है. क्या लिखना है? सिग्मा इज ए टर्म कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. जो कि होता है चार्ज पर यूनिट एरिया यूनिट होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर. डी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है सरफेस पे. द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. देखिए यूनिफॉर्म मतलब हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना, तो यूनिफॉर्म है. मान लो कि आप किसी वॉल को कलरिंग किए हो, कहां पर ज्यादा पेंट लगा दिया, कहां पर कम पेंट लगा दिया, तो आपको नॉन यूनिफॉर्म कलर हुआ. यूनिफॉर्म मतलब हर जगह या तो कम लगाया गया या फिर हर जगह ज्यादा लगाया गया. हम देख रहे हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है. मोर चार्ज कंसेंट्रेशन is near sharp edges. जितना sharp edge होगा उतनी ज्यादा concentration, charge concentration ज्यादा होगा. जितना sharp edge होगा उतनी ज्यादा concentration होगा. Okay? That means sigma at the sharp edge is much more than sigma at the flat regions. आपका तो एनसीईआरटी बुक में ये फिगर भी दिया है. फिगर भी दिया है क्या, कि ऐसा शेप का कोई एक बॉडी दे दिया, ऐसा शेप का, और बताया कि इसको चार्ज कर दिया गया है. बताओ और ड्रॉ दी चार्जेस ऑन दी सरफेस, ड्रॉ करके दिखाओ. एनसीईआरटी बुक में ऐसा एक अंडा दे दिया, एनसीईआरटी वाले भी देते हैं कभी कभी अंडा, तो ऐसे दिए हैं. तो इसमें लिखा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो. आप देखोगे ये जोन में, अब जानते हो जो भी चार्ज दोगे वो सरफेस पे रहता है. हाँ, प्रोवाइडेड दिस इज ए कंडक्टर, ये मेटल होना जरूरी है, नहीं तो सरफेस पे क्यों जाएगा. और यहाँ पर चार्जेस कुछ ऐसे ऐसे है, एक दूसरे से दूर. जबकि यहाँ पर ये वाला एज में जो चार्जेस होंगे, क्योंकि सार पे हो रहा है, ये सार पर एज है, तो यहाँ पर देखोगे चार्जेस आर
क्लोजर, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी इज मोर, चार्जेस आर क्लोज टू ईच अदर। देखो यहाँ पर तो दूर दूर है, और यहाँ पर आ जाओगे तो और भी दूर दूर, क्योंकि ये तो कुछ फ्लैट जैसे दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? यू सी हियर द चार्जेस आर क्लोज, हियर द क्लोजेस्ट, हियर इट इज लिस्ट क्लोज टू ईच अदर। मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया इज मैक्सिमम हियर। इफ आई से दिस इज ए पॉइंट ए एंड दिस इज ए पॉइंट बी एंड दिस इज ए पॉइंट सी, तो आप कहोगे सिग्मा एट ए इज मोर देन सिग्मा एट बी इज मोर देन सिग्मा एट सी। सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो अगर कोई बॉडी है जिसमें सात एज नहीं है तो हाउएवर फॉर ए एन इवन सरफेस रेगुलर बॉडी, इवन सरफेस रेगुलर बॉडी, इवन सरफेस रेगुलर बॉडी मीन्स से दैट ऑफ ए स्फीयर, से लाइक ए स्फीयर, the charge distribution is uniform on surface। अगर कोई conducting sphere है तो आप कुछ charge दोगे तो charge surface में uniformly distribute हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक example लेते हैं, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक स्पीयर है और इस स्पीयर को आपने चार्ज दिया, तो आप देखोगे चार्जेस इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। किसी भी पॉइंट में चार्ज पर यूनिट एरिया आपको बराबर मिलने वाला है। कहीं भी आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लो, बराबर चार्ज मिलेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो शार्प एज। नॉट ओनली दैट, आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज here is a small metal ball, remember all these things happen with conducting bodies only, हम लोग बात करें conducting balls की, non conducting में तो जहां चार्ज दे दोगे वहीं रुक जाएगा, ठीक है। suppose here is a metal ball and in addition to that there is another metal ball, suppose for your understanding only, say ऐसा है, एक बड़ा है और एक छोटा है, बड़े छोटे का combination है। आपने क्या किया, इस कॉम्बिनेशन को कोई चार्ज दे दिया, तो दो चार्ज जो है इसकी सरफेस में ही तो रहेगा। लेकिन इसमें भी कोई शार्प एज नहीं है, स्फेरिकल बॉडी है। लर्न दैट यू विल सी चार्ज फॉर यूनिट एरिया विल बी सेम एवरीवेयर, इधर भी हर जगह चार्ज फॉर यूनिट एरिया बराबर होगा। ये स्पेशल केस है, याद रखना। व्हेन टू मेटल स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट साइज आर इन कॉन्टैक्ट the charge distribution is uniform on their surfaces, मतलब charge per unit area will be same everywhere। जैसे इस केस में अगर इस पॉइंट को मैं A कहता हूँ, इस पॉइंट को मैं B कहता हूँ, तो sigma at A charge per unit area at A, इसे मैं charge per unit area at B, surface charge density same at A and B। इसमें अगर आप एक पॉइंट लेते हो ए यहाँ पे बी यहाँ पे, तो आप कहोगे सिग्मा एट ए इज इक्वल टू सिग्मा एट बी, क्योंकि इसमें कोई शार्प एज नहीं है। क्या बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 9। अर्थ इज ए वेरी टिपिकल बॉडी, इट इज हैविंग एम्पल ऑफ फ्री चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है और पॉजिटिव चार्जेस भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ के निकल गए, ऐसा भी आयनाइज्ड मटेरियल्स भी अंदर है जिनमें से वो इलेक्ट्रॉन्स भागे हैं।
बहुत सारे फ्री चार्जेस उसके अंदर है और उसका वो टिपिकल बिहेवियर है। थोड़ा सा मिट्टी लेके आओ, ड्राई अर्थ, इट विल बिहेव एज एन इंसुलेटर, बट ग्राउंड बिहेव एज ए कंडक्टर। तो बहुत सारे टिपिकल प्रॉपर्टीज है, छोड़ो उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। आपको इतना खाली जानना है कि अर्थ के साथ कुछ भी चार्ज को जोड़ोगे, पॉजिटिव चार्ज को जोड़ोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज को जोड़ोगे तब भी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कोई एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा ले गया है, वो रो रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन ले गया, मेरा इलेक्ट्रॉन ले गया। अब इसको अगर आप ग्राउंड के साथ जोड़ दोगे, ग्राउंड को यूजुअली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर ग्राउंड के साथ जोड़ दोगे, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनका इलेक्ट्रॉन कोई ले गया है, जस्ट मिनट, इनका इलेक्ट्रॉन ये कोई ले गया है और इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये जो फिजिक्स वाला है ना, दिन में 25 बार फोन करते हैं, अरे बच्चों हमारी क्लास स्टार्ट हो गया आ जाओ, 25 बार 25 नंबर को ब्लॉक मार दिया, फिर एक नया नंबर में आ जाता है और बाद में दिखाते हैं कि हमारे बच्चों को ये रिजल्ट मिला। एक समय में व्हेन कोरोना वाज गोइंग, रियली आई अप्रिशिएटेड द एफर्ट ऑफ दैट फिजिक्स वाला, इट हेल्प्ड अ लॉट, बट नाउ यू नो व्हेन कोरोना इज गॉन एंड पीपल वांट टू रीड दिस, फिजिक्स वाला हैज बिकम इवन डेंजरस देन ए कोरोना वायरस। कम पैसे में रद्दी माल देके बच्चों को ऐसे डाइवर्ट कर रहा है कि काफी बच्चों का करियर तो चौपट हो गया। 3000 में सब ले लो, हर एक माल 3000, हर एक माल 4000, समझ रहे हो, इट इज नाउ इवन मोर। और वो लोग ऑफलाइन सेंटर खोल रखे, कोई नहीं जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाना तो आसान है, आप सामने कोई बुक को लगा दो, ट्रोलिंग करके चल रहा है, देख के बताओ, डाउट कोई नहीं पूछ रहा। आई बीइंग ए टीचर, आई डोंट नो हाउ कम दे गॉट माय नंबर, दे आस्क्ड, दे हैव कॉल्ड मी एटलीस्ट, आज तक तो मैं इस महीने में सोच रहा हूँ कि 15 बार से ज्यादा हो गया होगा, दिन में कभी कभी 2-3 बार भी आता है, तुम लोगों के पास भी आता होगा, आता है क्या? तुम लोग मेरे नाम की ताबीज बांध लेना, देखो हम दूसरे फिजिक्स वाले के पास जा रहे, ऐसा करके ताबीज लगा देना, मेरा नाम BRM लिख देना उसके ऊपर, फिर कॉल नहीं आएगा। हाँ, तो क्या बात चल रहा था इसमें, तो अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को ग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन कोई ले गया है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो तुरंत क्या होगा, जैसे आप ग्राउंड कनेक्शन लगाया, तुरंत आप देखोगे इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम ग्राउंड। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन तो जिस एडवांस की स्क्रीनिंग में आ चुका है। व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, पॉजिटिव चार्जेस गो टू ग्राउंड, नेगेटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम ग्राउंड, क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, इनके इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है, और ये पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट, चार्जेस कैन नॉट फिजिकली मूव थ्रू ए कंडक्टर, व्हाट कैन मूव इज एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज ए पॉजिटिव चार्ज, इट इज एन एटम व्हिच हैज लॉस्ट और वन और टू इलेक्ट्रॉन्स, किसी एटम का एक दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एंटायर एटम कैन नॉट मूव इनसाइड ए कंडक्टर। हाँ, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स गैसेस ऑल दैट देयर इज डिफरेंट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड कंडक्टर्स थ्रू व्हिच the charge is flowing, atoms cannot move, so what will happen, these positive charges need electron, as they get connected to ground, electrons will flow from ground and reach here and will neutralize, not only that, aap agar positive charge ki jagah kisi ek negatively charged conductor ko ground ke sath jod doge, kisi ek negatively charged conductor ko ground ke sath jod doge to aap dekhoge when you touch it to ground this is having excess of electrons और इनका इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये जबरदस्ती क्या होगा, ये ग्राउंड में चले जाएंगे। सो व्हाट ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर गिव्स इलेक्ट्रॉन टू ग्राउंड, इन ईदर केस दे गेट न्यूट्रलाइज्ड, फाइनली दोनों में क्या चार्ज हो जाएगा, जीरो। ये कब होता है, ओनली इन केस ऑफ कंडक्टर्स, अगर ये कोई इंसुलेटिंग बॉडी है और नेगेटिवली चार्ज है, आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पास थ्रू एन इंसुलेटर, तो जहां है वहीं पड़े रहेंगे, समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, व्हेनेवर ए चार्ज्ड कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, व्हेनेवर ए चार्ज्ड कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड,
conductor is connected to ground, it gets neutralized by transaction of electrons, चाहे negative charge हो या positive charge हो, ground के साथ जोड़ो तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है, that gets neutralized by connecting to ground, the charges get neutralized, okay, fine. अब point number 10, अब हम बात कर लिए कि कोई बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है या पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन दे दो या ले लो ऐसे करके, लेकिन क्या आपको कहा जाएगा ये पेन से इलेक्ट्रॉन निकाल के ले लो मुझे इसको पॉजिटिव करना है, क्या इसे खरोच के निकाल सकते हो एक इलेक्ट्रॉन यहां से, हाउ यू विल गिव इलेक्ट्रॉन एंड टेक इलेक्ट्रॉन, क्या आप एक इलेक्ट्रॉन को इसे हाथ में पकड़ सकते हो, सोचो तो, कैन यू होल्ड एन इलेक्ट्रॉन इन योर हैंड, एक इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा रहेगा आपके हाथ में, कभी सोचे हो, असलियत तो ये है कि जो पूरा का पूरा एटम है यहाँ पे न्यूक्लियस है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मंडरा रहे हैं, यू विल सी 99.9% वॉल्यूम ऑफ दिस एटम इज एम्प्टी, खाली है, कुछ नहीं है, न्यूक्लियस इज ए डेंस स्मॉल पार्टिकल्स एट द सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स आर इवन स्मॉलर और वो चारों तरफ घूम रहे, तो पता चला कि पूरा का पूरा खाली जगह है, हम एक बॉल फेंकते हैं तो दीवार पे टकरा के वापस आता है, मैं एक इलेक्ट्रॉन पकड़ के अगर फेंक दूंगा क्या वो दीवार पे टकरा के वापस आएगा, नहीं वो तो निकल जाएगा दूसरे तरफ, क्योंकि खाली जगह है इसके अंदर से निकल जाएगा, योर हैंड इज मेड अप ऑफ एटम्स, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखोगे हो सकता है कि नीचे से निकल जाएगा, यू कैन नॉट होल्ड इट, सो हाउ वी मेक ए बॉडी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, तो इसके लिए तीन मेथड है चार्जिंग का, वन इज कंडक्शन, वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा हुआ चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा हुआ चार्जिंग बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन के ऊपर क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, व्हेन यू रब ए ग्लास रॉड विथ सिल्क वन गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, द लेटर गेट्स नेगेटिवली चार्ज, ऐसे करके आप पढ़े होंगे। रीजन क्या है कि जब कोई दो बॉडी को हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, एंड फ्रिक्शन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नहीं काफी लोग फ्रिक्शन को एक मिसकंसेप्शन के साथ समझते हैं, काफी बुक्स में भी लिखा है लो लेवल अर्थर के कारण, अब देखोगे वहां पर ऐसे ऐसे कोरोगेटेड रहता है कोई एक सरफेस, माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखोगे तो फिर दूसरा सरफेस को देखो कि वो भी कुछ ऐसा ऐसा रहता है माइक्रोस्कोपिक व्यू से, अब जब इसको हम इसके ऊपर ये जो ऊपर वाला बॉडी है इसको इसके ऊपर मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ये फ्रिक्शन होता है, इसको हम मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसे ऐसे रगड़ता है तो आगे नहीं जाना देता है, रोकता है, दैट इज नॉट फ्रिक्शन, वेरी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉकिंग, कोई चीज भाग रहा है दूसरा चीज इसको पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या है, इट्स ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो लोग मेरे को क्लास 10 में क्लास 11 में शुरू से ज्वाइन किए होंगे उनको मैं बताया था, ये कोई एक सरफेस है, इसकी एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मंडरा रहे हैं, ये कोई दूसरा सरफेस है, ये उसका न्यूक्लियस है, उसका इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मंडरा रहे हैं, अगर ये दोनों सरफेस को हम एक दूसरे के नजदीक ले आएंगे तो यहाँ वाला जो न्यूक्लियस है उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कुछ फोर्स लगाने लगेगा, और ये वाला न्यूक्लियस है ये इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कुछ फोर्स लगाने लगेगा, तो ये इसको खींच रहा है पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये इसको खींच रहा है पकड़ने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, जब आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो टू जेंटलमैन आर मूविंग, है ना, उनके हाथ में क्या है कि वो मान लो कि सपोज ऐसा है, यहाँ पर कोई एक आदमी है इसके हाथ में छोटा सा बच्चा लेके जा रहा है, यहाँ पर कोई एक दूसरा आदमी है, ये दूसरा आदमी है वो क्या करता है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसके पास भी एक छोटा सा बच्चा है, और जब आए तो
पता चला कि ये आदमी को इस बच्चे में इंटरेस्ट था, ये इसको पकड़ के खींचने लगा, ये इसको पकड़ के खींचने लगा, क्या दोनों एक दूसरे से दूर जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये इसके बच्चे को पकड़े, और ये दोनों अपने अपने बच्चों को पकड़ के रखे, ये दोनों अपने अपने बच्चों को पकड़ के रखे, ये इसके बच्चे को खींच रहा, ये इसके बच्चे को खींच रहा, they cannot move away. हाँ, अगर ये जो आदमी है इसका इस बच्चे के ऊपर खिंचाव काफी ज्यादा है, इतना ज्यादा है, ये आदमी इसको इतने जोर से खींचता है कि ये जो खींच रहा है इसको खींच के रखा है रोक नहीं पाएगा, तो पता चला ये बच्चा इसके हाथ से निकल के उसके पास चले जाएगा. When the pulling force of this nucleus on this electron is more, तो ये nucleus इसको electron को खींच के ले लेगा. जब एक दूसरे के ऊपर दोनों slide करके एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, पता चला ये electron इसके पास रह गया क्योंकि दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे. ये भी इसके electron को खींच रहा था, लेकिन ये तगड़ा, ये ज्यादा force में खींच रहा था, तो ये खींच नहीं पाया, ये खुद फिसल के आ गया. तो हुआ क्या, जब ये इसके साथ रगड़ के इधर आ गया, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन उसके साथ चले गए ड्यू टू फ्रिक्शन. That is what is electromagnetic force. इसलिए जब दो बॉडी को हम जोर से प्रेस कर देते हैं, हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, वो तो ठीक है. जब प्रेस कर देते हैं, these nuclei come close and the force becomes stronger and you say the frictional force increases. आप कहते हैं mu n होता है, वो बात ठीक है आपके हिसाब से, मैकेनिकली आप समझते हो, बट इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो बाई रबिंग क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन बॉडी गेट्स ट्रांसफर्ड टू द अदर. तो सोचो कि अगर कोई रॉबिंग किए दो बॉडी को और इसमें से दो इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, कितना, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो बॉडी है उसमें क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन निकल गए उसमें, तो नीचे वाले में पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन दे देने से क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये बन गया नेगेटिव चार्ज. सो दे डेवलप इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और क्या, मान लो कि दो बॉडी आपस में रगड़ रहे, चार्ज ट्रांसफर हो गया, फिर भी दे वो तो अपने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में. नाउ थिंक, सपोज ये दोनों मेटालिक बॉडी है, ऊपर वाले में नेगेटिव चार्ज हो गया है, कुछ ट्रांसफर हो गया, नीचे वाले में पॉजिटिव चार्ज. अब कंडक्टर के अंदर तो चार्ज मूव कर सकते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से खींच के नहीं ले लेगा, क्योंकि कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव. रगड़ना शुरू किया, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, आगे आगे चल के दोनों कॉन्टैक्ट में था, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कॉन्टैक्ट में था, फिर से न्यूट्रलाइज हो गया. मतलब व्हाट इज द टोटल चार्ज ट्रांसफर, जीरो. ये फ्रिक्शन के कारण निकल तो गया, लेकिन फिर इसको ये खींच के वापस ले आया, क्यों, क्योंकि इसका जो ये बॉडी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, चार्जेस कैन फ्रीली मूव थ्रू कंडक्टर, इन दोनों बीच में अट्रैक्शन है, दे विल अगेन न्यूट्रलाइज ईच अदर. इसका मतलब दो कंडक्टर को रगड़ो तो चार्ज नहीं बनेगा. चार्ज कब बनेगा, इंसुलेटर की केस में. तो इफ टू इंसुलेटिंग बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, देन बाय फ्रिक्शन सम चार्जेस ऑफ वन बॉडी गेट्स ट्रांसफर टू द अदर बॉडी एंड दे डेवलप इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. इसमें जितना चार्ज होगा उसमें उसका अपोजिट चार्ज होगा. दो ही इलेक्ट्रॉन गया ना, इसमें प्लस टू ई हुआ तो इसमें माइनस टू ई हुआ. क्या मेरी बात समझ में आया? क्यों बता रहे हैं कि असिस्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, ये साल का आप देख लो क्वेश्चन, जो क्या कहते हैं सीबीएसई बोर्ड का, फिर बहुत मजा आ जाएगा आपको, क्या पढ़ना है आपको पता चल जाएगा. क्या देखिए, चार्जिंग बाय रबिंग और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. When two non-conducting bodies, ये याद रखना जरूरी है, they must be non-conducting bodies, are rubbed against each other, some electrons of one body gets transferred to other due to frictional force.
due to frictional force, this is called charging by friction. क्या स्पेशल क्वालिटी है इन दिस केस? बॉडीज डेवलप इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. दोनों बॉडी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मतलब दो बॉडी को रगड़ के, नॉन कंडक्टिंग बॉडी को रगड़ के फ्रिक्शनल फोर्स के चलते अगर चार्ज कर दिया जाएगा तो उन दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, क्योंकि देयर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. 11. Charging by conduction. ये काफी सिंपल है. कोई एक चार्ज कंडक्टर को किसी दूसरे अनचार्ज कंडक्टर के साथ जोड़ोगे. ये कोई एक चार्ज कंडक्टर है, इसमें कोई चार्ज रखा हुआ था जो इसके सरफेस में पड़े थे. अब इसको अगर आप दूसरे किसी एक कंडक्टर के साथ लाके जोड़ोगे, जैसे आप लाके इसको कोई दूसरा एक कंडक्टर के साथ जोड़ दिए, जैसे आप इसको जोड़े, यू टच इट हियर, आप देखोगे ये दोनों कंडक्टर मिलके नाउ दे आर बिहेविंग एज ए सिंगल कंडक्टर. Once they start behaving as a single conductor, you know the charge gets distributed on the entire outer surface. तो अब चार्ज सिर्फ यहाँ पे नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? कुछ चार्जेस तो यहाँ से निकल के यहाँ पे भी आ जाएंगे, कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, हर जगह कुछ कुछ चार्जेस मिल जाएंगे आपको. Now the charges are available everywhere on it. समझ में आ रहा है क्या? पहले तो सिर्फ इसके ऊपर था, अब ये चार्जेस इसके ऊपर भी आ चुके हैं. So you will see the charge gets distributed on the surface of both of this. समझ में आया क्या? तो आप कहेंगे फिर इसको अगर दोनों को अलग कर देंगे, पता चला हम इसको चार्ज कर दिए. क्या मेरी बात समझ में आया? कोई चार्ज कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के साथ जब जोड़ देते हैं, पहले वाले का कुछ चार्ज दूसरे के सरफेस में चले जाता है, दूसरे की सरफेस में चले जाने के कारण दूसरा वाला भी चार्ज हो. अभी दोनों को फिर से एक दूसरे से अलग कर दो, पता चला इसमें भी कुछ चार्ज आ गया, पहले कुछ चार्ज नहीं था. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब सोचो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में देखे, जब फ्रिक्शन के कारण दो बॉडी चार्ज होते हैं, चार्ज होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है. पर चार्जिंग बाय कंडक्शन के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. लास्ट बेंच बॉयज गो वन बे वन मोर बेंच बैक, पीछे और पीछे चले जाओ, उनके मुंह में धूप गिर रहा है, जाओ रे. थर्ड बेंच बॉयज जाओ एक बेंच पीछे. ये लोग खुद से कुछ नहीं करेंगे, मोदी सब कुछ करेगा, वोट दिए. ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? जो चार्ज दिए वो चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों में कुछ कुछ पॉजिटिव चार्ज हो गए. अब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ. तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? When a charged
conductor is touched to another conductor the charge of the first conductor is distributed between them or distributed on their surfaces so both are charged after charging by conduction repel each other जबकि पहले वाला क्लास में क्या था आफ्टर चार्जिंग दे अट्रैक्ट ईच अदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर डेवलप्ड सो दे अट्रैक्ट ईच अदर After charging by conduction, they repel each other. We'll take some example to see. Rather, we'll say it is like this. Suppose कोई case one है. For your understanding. Suppose हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक conducting sphere था. ये कोई एक दूसरा conducting sphere था जिसमें कोई charge नहीं था. There was no charge on this. चलो मानते हैं कि दोनों का रेडियस आर था इसका रेडियस आर है इसका रेडियस आर है और इसमें कुछ चार्ज क्यू है इसमें चार्ज नो चार्ज है इसमें कोई नो कोई चार्ज नहीं है ये दोनों मेटल बॉल्स है अगर इन दोनों को मैं कॉन्टैक्ट में ले आता हूं इफ आई ब्रिंग देम टू कॉन्टैक्ट देखो मैं दोनों का रेडियस बराबर लिया हूं दोनों का रेडियस को बराबर लिया हूं अब मैं क्या किया दोनों को कांटेक्ट में ले आया पहले तो ये जो ये था येलो वाला इसके ऊपर चार्ज थे दूसरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं था नाउ व्हेन दे आर ब्रॉट टू कांटेक्ट नाउ दे बिहेव एज अ सिंगल कंडक्टर द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एंटायर सरफेस मोर ओवर इसमें कोई शार्प एज नहीं है पूरा का पूरा सरफेस तो इवन सरफेस है तो क्या होगा चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर हम इस पॉइंट को ए कहेंगे और इस पॉइंट को बी कहेंगे तो आप कहोगे सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी चार्ज पर यूनिट एरिया हियर एंड चार्ज पर यूनिट एरिया हियर आर सेम चार्ज पर यूनिट एरिया इसमें जितना है इसमें उतना है और हम देख रहे हैं कि दोनों मेटल स्फीयर बराबर साइज के हैं दे आर ऑफ सेम साइज और चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर है तो होगा क्या होगा यूं कि चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया इज द चार्ज कोई बॉडी है उसकी सरफेस पे चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर और उसका सरफेस एरिया है 4 मीटर स्क्वायर तो व्हाट इज द चार्ज 4 इनटू सिग्मा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द चार्ज पर यूनिट एरिया तो इस पे कितना चार्ज होगा चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया इज द चार्ज और एरिया कितना होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर दोनों का रेडियस बराबर दिए हैं तो आप ये आर है या है दोनों का एरिया बराबर है चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर है मतलब फाइनल चार्ज विल बी सेम ऑन बोथ ऑफ देम इसमें जितना चार्ज होगा इसमें उतने ही चार्ज होगा दोनों में बराबर चार्ज होगा तो क्या लिखेंगे
final charge on each ball is same. तो ये similar metal balls से हम ध्यान रखें कि यहाँ पर ये similar metal balls से similar दोनों का radius r है, लिखा है, फिर भी लिख देता हूँ similar metal balls, दोनों का size बराबर है, radius r है, तो final charge on each ball is same, why? दोनों के ऊपर सिग्मा बराबर होगा और दोनों के ऊपर एरिया बराबर है तो चार्ज बराबर है। लेकिन मान लो कि इसमें फाइनली चार्ज है क्यू, इसमें चार्ज है क्यू, आप जानते हो चार्ज के नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्टर्ब, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना है? टू क्यू। पहले कितना चार्ज था? इसमें था कैपिटल क्यू और इसमें कोई चार्ज नहीं था, नहीं? तो आप कहोगे भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वाई कंजर्वेशन और चार्ज, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ये जगह ज्यादा उधर पे सरक गया है, वाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको होगी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू। फाइनली दोनों में क्यों क्यू चार्ज है जबकि इसमें पहले क्यू था, सो व्हाट इज क्यू? क्यू इज क्यू बाई टू। कहने का मतलब है इतना लंबा चौड़ा याद रखने की कोशिश मत करो, नो वन विल आस्क यू फॉर नोट्स, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चार्जिंग बाय इंडक्शन कंडक्शन, ये कुछ नहीं पूछने वाला, लेकिन असम्पशन रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे। पूरा चीज को चलो हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं और कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स लेते हैं कि अगर दो ठो सिमिलर साइज के कंडक्टिंग बॉल को टच करवा देंगे तो उनमें जितना चार्ज था उतना ही चार्ज रहेगा टोटल, बट द चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ ऑफ देम। मान लो कि इसमें क्यू चार्ज था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, जोड़ दिए तो इसमें हो जाएगा क्यू बाई टू, इसमें हो जाएगा क्यू बाई टू, गॉट इट? मान लो इसमें चार्ज था क्यू और इसमें चार्ज था टू क्यू, देख लो दोनों का रेडियस बराबर है तो दोनों को जोड़ो, टोटल चार्ज वही रहेगा बट इक्वली रहेगा, मतलब टोटल चार्ज क्या था? इसमें q, इसमें 2q, मतलब 3q था, आधा इसमें रहेगा 3q by 2, इसमें आधा रहेगा 3q by 2, तो दोनों में 3q by 2, 3q by 2 चार्ज रहेंगे। मान लो कि इसमें चार्ज था 2q और इसमें चार्ज था माइनस q, एक था 2q दूसरा था माइनस क्यू, टोटल चार्ज कितना था? 2q माइनस q, दैट इज q। अब मतलब दोनों को जोड़ने के बाद टोटल चार्ज आधा इसमें रहेगा, आधा इसमें रहेगा, चार्ज हियर विल बी क्यू बाई टू, हियर विल बी क्यू बाई टू। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो अगर एक में चार्ज है क्यू वन, दूसरे में है क्यू टू, दोनों बराबर साइज के हैं, तो जोड़ने के बाद इसमें होगा क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, उसमें भी होगा क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, द चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम। कब? तब जब वो दोनों का रेडियस बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है? रेडियस अगर बराबर है, चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर है, एरिया बराबर है, इसलिए चार्ज बराबर हो रहा था। अगर रेडियस बराबर नहीं है तो, अगर रेडियस बराबर नहीं है तो ये हो गया आपका छोटा कंडक्टर, ये हो गया आपका बड़ा कंडक्टर। अब क्या हुआ, इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, मान लो कि ये है रेडियस आर वाला और आर वन वाला और ये रेडियस है आर टू वाला, इसमें दिए चार्ज Q और इसमें दिए कोई चार्ज नहीं है, या फिर इसमें कुछ कर लो Q1 है, इसमें Q2 है। अब मैं क्या करूं कि इन दोनों को कांटेक्ट में ले आऊं, इन दोनों को कांटेक्ट में ले आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर ले आओ और दोनों को टच करवाओ एक दूसरे के साथ, ये नाउ दे आर टचिंग ईच अदर। अभी दोनों जब एक दूसरे को टच करने लगेंगे तो आप देखोगे कि ये दोनों अब चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पॉइंट को अगर आप ए कहोगे, ये पॉइंट को बी कहोगे, दोनों का रेडियस अलग हुआ तो क्या हुआ? कोई सार फेस तो है नहीं, मतलब सिग्मा एट ए सिग्मा एट बी विल बी सेम। सार फेस होने से चार्ज एज में चले जाता है, सार फेस नहीं होने से तो चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर होगा, हर जगह बराबर हुआ।
अब 40 पावर यूनिटी दिया बराबर है, तो मान लो कि यहां पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जितना चार्ज है, यहां पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में उतना ही चार्ज है, लेकिन इसका एरिया ज्यादा है तो इसमें ज्यादा चार्ज रहेगा, इसका एरिया कम है इसमें कम चार्ज रहेगा। तो आप कहोगे Q1 चार्ज ऑन दिस, Q2 चार्ज ऑन दिस। Q1 क्या हो जाएगा, इट इज सिग्मा, दोनों का चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर है सिग्मा इंटू 4πr1 स्क्वायर। Q2 क्या है, सिग्मा इंटू 4πr2 स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ Q1/r1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2/r2 स्क्वायर। Q1/r1 स्क्वायर हो गया सिग्मा इंटू 4π, Q2/r2 स्क्वायर हो गया सिग्मा इंटू 4π। तो ये बन गया इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्या देखे हम देखे कि Q1/r1 स्क्वायर इज सेम एज Q2/r2 स्क्वायर। दूसरा चीज क्या देखे, हम जानते हैं कि चार्ज की नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। अब कितना चार्ज है Q1 एंड Q2, पहले क्या था इसमें Q1 इसमें Q2, सो इट इज Q1+Q2। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस यू कैन सॉल्व, आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज नाउ यू नो देम एज टू अननोन्स, टू इक्वेशंस, यू नो हाउ टू सॉल्व देम, आप सॉल्व करके इसको निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आया, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, जो लोग लेजी है पहला क्लास है क्या करें, और क्योंकि इजी चैप्टर है और समय भी है तो पूरा डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कुछ सेम साइज बॉल वाले आते हैं, डिफरेंट साइज बॉल वाले रेयरली आते हैं, एंट्रेंस में डिफरेंट साइज बॉल वाले आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बता दिए डिफरेंट साइज बॉल में कैसे करते हैं, और हम लोग सारे वेराइटी के क्वेश्चन कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आया, बहुत सारी चीज हम लोग देखे आज, हम लोग क्या क्या देखे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, एनी बॉडी कैन बी मेक पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बाय गिविंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ इट, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सेज दैट Every charge can be written as plus minus Ne, where N is a whole number, E is 1.6 into 10 power minus 19. Whenever any charge is given to a conductor, that gets distributed on the surface, and the charge distribution is more, I mean charge concentration is more at the sharp edges, less at the flat regions. For even surface regular body like a sphere, the charge distribution is uniform on the surface. Whenever a charge conductor is connected to ground, there occurs a transaction of electrons between ground and the conductor till the charged conductor is neutralized. Means, if a positively charged conductor is connected to ground, electrons are pulled from ground. If a negatively charged conductor is connected to ground, the electrons flow to the ground and the conductor gets neutralized either way. Aur kya dekhe hum log? How we charge? We charge a body by rubbing, that is called charging by friction. Also, we have seen charging by conduction. वन मोर चार्जिंग इज देयर जिसको हम पढ़ेंगे आफ्टर वी रीड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड समथिंग रिलेटेड टू गॉस लॉ, उसके बाद पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन जिसमें कोई बॉडी को दूसरे के साथ टच नहीं करवाना है। व्हाइल रबिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन मटेरियल, वन इंसुलेटिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल गेट्स ट्रांसफर्ड टू द अदर, सो दे डेवलप इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर आफ्टर charging. While charging by conduction, a charged conductor is brought in contact with a uncharged conductor. देखो जो robbing में charge हो रहा था और non-conducting था, conduction के लिए दोनों को conducting होना जरूरी है, ये सब differences याद रखो, conducting होना जरूरी है। तो एक को conducting ball को लाके दूसरे के साथ touch किए तो इसके charge है कि उसके surface में distribute हो गए। अगर दोनों ball बराबर size के हैं तो वट एवर वॉज द टोटल चार्ज अर्लियर दैट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम, और अगर अनइक्वल साइज के हैं तो दिस सिचुएशन विल बी लाइक दिस Q1/r1, अगर मान लो इसमें Q1 चार्ज था इसमें Q2 चार्ज था,
जोड़ने के बाद ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया. So Q1 by R1 square will be equal to Q2 by R2 square. And दूसरा हुआ Q1 plus Q2 is equal to capital Q1 plus capital Q2. This is from the on the basis of law of conservation of charge. ध्यान रहे हम लोग कूलम कूलम कर रहे हैं. ये जो कूलम है ना, इट्स ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज. वन कूलम इज ए लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज. इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल टू डील विथ वन कूलम चार्ज इन ए लेबोरेटरी. वी ऑलवेज डील चार्जेस इन माइक्रो कूलम, पिको कूलम, नैनो कूलम. माइक्रो कूलम मीन्स 10^-6 कूलम, पिको कूलम 10^-12 कूलम, नैनो कूलम 10^-9 कूलम, लाइक दैट. Even when a lightning is taking place, hardly 2-3 coulomb charges come. मतलब 1 coulomb is such a huge charge. समझ में आ रहा है? तो remember ये भी कभी-कभार question में आता है. 1 coulomb is a small unit of charge or big unit of charge. It's a very big unit of charge. समझ में आ? ये चीज़ याद रखना. और हम लोग ढेर सारी चीजें देखें. अगले क्लास अगर आप लोग ढंग से इसको पढ़ के आओगे तो क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. I'll send you some questions also. तो अगले क्लास इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग करेंगे क्लास में. फिर मिलते हैं अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद.